बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जेड आई के लॉ एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक, तो हम कोशिश करेंगे अगर इसमें जो भी क्वेश्चन या क्यूरी राइज हो उसको क्लियर कर सके। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को जानेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये किसी सिंगल डॉक्यूमेंट बेस नहीं करते, ये स्कैटर्ड डॉक्यूमेंट्स है या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है या उसके काफी सोर्सेज है जिसकी वजह से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में है। ठीक है, जिसको ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस वजह से इसको कहते हैं एवोल्यूशनरी प्रोसेस पे ये डेवलप हुआ है, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट इसको कहते हैं। ठीक है, और जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ ओनली मतलब समझ में आता है जब आप उसकी ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को या उसकी जुडिशियल डिसीजंस को देखते हैं, क्योंकि इसका सारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस ही इन्हीं पे करता है। ठीक है, और हमारे पास सर्टन मेन सोर्सेज है जिसको आज हम इस टॉपिक में क्लियर करेंगे। मेन सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को हम डिस्कस करेंगे, तो चले डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सोर्स हमारे पास आ जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स वो रिटन सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के, या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स की बड़ी अहमियत है, क्योंकि हम कहते हैं कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों अनकोडिफाइड कॉन्स्टिट्यूशन है? क्योंकि वो इसमें रिटन जो डॉक्यूमेंट्स है इस कॉन्स्टिट्यूशन में वो तो अवेलेबल है मगर स्कैटर्ड फॉर्म में है। ठीक है, जो बुकलेट्स की शक्ल में या एग्रीमेंट की शक्ल में वो मौजूद तो है मगर स्कैटर्ड फॉर्म में, एक साथ नहीं है, एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते। ठीक है, मगर इस तरह की हिस्ट्री में ब्रिटिश की हिस्ट्री में ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद है जिसको हम इनिशियली ये बोल सकते हैं कि वो उसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये वो ब्रिट फाउंडेशन होती है, फाउंडेशन है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें एग्जांपल हम मैग्ना कार्टा की ले लेते हैं 1215 की। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स की ले लेते हैं, पिटीशन ऑफ राइट्स की ले लेते हैं। सच डॉक्यूमेंट जो हमारे पास है उसको हम हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट कह सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम मैग्ना कार्टा को डिस्कस करते हैं कि मैग्ना कार्टा क्या था। मैग्ना कार्टा ऐसा चार्टर था, ठीक है, इसको द ग्रेट चार्टर भी क्या कहा जा सकता है। ये 1215 में किंग जॉन के साथ साइन हुआ था जो उस टाइम के नवाब थे। ठीक है, इसका इसको फाउंडेशन भी कहते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि ये पहला ऐसा चार्टर था जो लोग मोनार्क और लोगों के दरमियान साइन हुआ था। ठीक है, इसमें लोगों के राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था मोनार्क की तरफ से फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये ऐसे राइट्स थे जिसको मतलब मोनार्क ने रिकॉग्नाइज किया था, उनकी लिबर्टी वगैरह, ये जो प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह होते हैं उसको रिकॉग्नाइज किया था। और इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अहमियत ये थी कि जो मोनार्क था उसके जो पावर्स थे वो लिमिटेड हो गए थे। उसको ये कहा गया था कि उसके जो लॉज होंगे वो अभी अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब जो उसकी पावर्स होंगी वो लॉ के मुताबिक होगी, लॉ वो अपनी जो पावर्स होंगे लॉ के बगैर इस्तेमाल नहीं करेगा, लॉ के अबव इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, ये मैग्ना कार्टा का 1215 में जो चार्टर था ये बड़ी अहमियत रखता है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसके बाद आ गया बिल ऑफ राइट्स, 1689 में था ये। ये जो बिल ऑफ राइट्स था ये किंग को मतलब किसी स्टेट्यूट को रिपील नहीं कर सकता था, वो आर्मी को यूज नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, और वो कोई हैवी टैक्सेस अपनी पावर से नहीं लगा सकता था विदाउट द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ये बिल ऑफ राइट्स हो गए, ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डेवलप हुआ है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, इसको इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पीपल सर्टन डॉक्यूमेंट्स आए। ठीक है, जिसमें मैग्ना कार्टा आ गया, बिल ऑफ राइट आ गया, पिटीशंस ऑफ राइट्स हो गए और मेनी मोर। ठीक है, ये बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स है जो सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके बाद हम नेक्स्ट सोर्स पे चलते हैं,
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स, स्टेट्यूट्स एंड एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, स्टेट्यूट्स क्या होते हैं, एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट क्या होते हैं, ये दोनों सेम ही है, मगर इन ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी बड़ी अहमियत है। ठीक है, क्योंकि ये सोर्स समझा जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट्यूट जो है वो दोनों सेम ही है, मतलब एक इक्वल स्टेटस का रखते हैं। जिस तरह आप किसी और कंट्री का देख ले, इंडिया का देख ले, पाकिस्तान का देख ले, यूएसए का देख ले, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिंगल डॉक्यूमेंट में मौजूद होता है, वो लॉ ऑफ द लैंड उसको समझा जाता है। मगर यूनाइटेड किंगडम में ऐसा नहीं है। यूनाइटेड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में या ब्रिटिश में ये होता है कि जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो होते हैं, मगर इन दोनों की एक सेम ही अहमियत होती है। ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, इनको अमेंड भी सिंपल मेजोरिटी से किया जा सकता है। ठीक है, उनमें इनको खत्म भी सिंपल मेजोरिटी से कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये डील करते हैं एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो होते हैं उनको डील करते हैं। हमारे पास सर्टेन एग्जाम्पल है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की, जैसे एक्ट ऑफ हेबस कॉर्पस हो गया, ठीक है, 1679, एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया 1701, पार्लियामेंट एक्ट हो गया ऑफ 1911, इसके अलावा रिफॉर्म्स एक्ट हो गए। ठीक है, तो ये सर्टेन एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले तो हम एक्ट ऑफ हेबस कॉर्पस को देखेंगे। एक्ट ऑफ हेबस कॉर्पस क्या है? ये ऐसा एक्ट है जो 1679 को आया। ठीक है, इस एक्ट में ये था कि कोई भी पर्सन विदाउट प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन उनको इम्प्रिजनमेंट नहीं की जाएगी, उनका पहले सबसे पहले तो प्रॉपर फेयर ट्रायल होगा, उसके बाद मतलब लीगल जस्टिफिकेशन होगी, उसी के बाद उनको अगर विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन तो होगा तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, ये एक्ट ऑफ हेबियस कॉर्पस का मतलब है, मतलब इस एक्ट में ये कहा गया था। फिर उसके बाद एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1701 का आया। इस एक्ट में ये शराइत रखी गई कि जो किंग होगा वो हमेशा प्रोटेस्टेंट फेथ से होगा। ठीक है, ये लोगों के राइट्स और वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया हुआ था। उसके बाद हमारे पास आ गया था पार्लियामेंट एक्ट ऑफ 1911। पार्लियामेंट एक्ट जो था 1911 को आया, ठीक है, उसको फिर 1949 में इसको अमेंडमेंट की, जो डील करता है पावर्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो पावर्स है उससे डील करता था। जो ये जो स्टेट्यूट है, वेस्ट मिनिस्टर इसको डिफाइन करता है कि द स्टेटस ऑफ द डोमिनियन एंड देयर रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड किंगडम। इसमें इसका स्टेटस और इसकी डोमिनियन जो थी और उसका रिलेशनशिप डिफाइन किया गया था यूनाइटेड किंगडम के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद जो रिफॉर्म्स एक्ट थे, रिफॉर्म्स एक्ट में क्या था, रिफॉर्म्स एक्ट में राइट टू वोट का वो कॉन्सेप्ट दिया, मतलब वोट की आजादी दी और पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन की आजादी दी। ठीक है, ये हमारे पास ऐसे एक्ट्स जो एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है, स्टेट्यूट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सोर्स पे चलते हैं। थर्ड सोर्स हमारे पास आ जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम बोलते हैं जुडिशियल डिसीजन। ठीक है, जुडिशियल डिसीजन वो डिसीजन होते हैं, वो जज होते हैं जो कोर्ट तरफ से दिए होते हैं। ठीक है, जो फैसला दिया होता है उसको हम जुडिशियल डिसीजन बोलते हैं। जुडिशियल डिसीजन का भी बहुत ही अहम किरदार है, कंट्रीब्यूशन है डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो हमारे पास प्रोमिनेंट जूरिस्ट है डाइसी, वो रिमार्क करते हैं कि जो इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो जजेस के थ्रू बनाया गया हुआ है। ठीक है, जो मोस्ट ऑफ द राइट्स लोग एंजॉय करते हैं, ब्रिटिश पीपल एंजॉय करते हैं, वो कोर्ट बैटल से वजूद में आई है। ठीक है, जिस तरह राइट ऑफ टू पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, राइट टू पब्लिक असेंबली, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सारा रिजल्ट है जुडिशियल डिसीजन का इंग्लैंड में। ठीक है, तो जुडिशियल डिसीजन भी एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम वो है, सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट सोर्स पे चलते हैं। नेक्स्ट सोर्स हमारे पास आ जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ हमारे पास अनरिटन सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। जिस तरह हमने अबव सोर्सेस पढ़े हैं, जिसमें स्टेट्यूट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आ गया, ठीक है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आ गए, जुडिशियल डिसीजंस आ गए, ये ऐसे सोर्स थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के जो रिटन सोर्सेस थे। ठीक है, मगर कॉमन लॉ अनरिटन सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। ये ऐसे सोर्स मतलब कॉमन लॉ जो है वो बेस करता है एंशियंट कस्टम्स पे, ठीक है, और ट्रेडिशंस पे जो
कोर्ट की तरफ से रिकॉग्नाइज थी और जो लोग फॉलो करते थे, ठीक है। तो कॉमन लॉ उसे कहते हैं। ओरिजिनली ये कॉमन लॉ जो था, ऑन द कॉमन लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है, ये जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था वो बेस करता था कॉमन लॉ पे। और इसके अलावा जो कॉमन लॉ में ये था कि सोवरन जो था, किंग या क्वीन जो थी, वो अकेले ही सोर्स थी पावर इन द कंट्री, ठीक है। ऐसी सोर्स थी, मतलब उनके पास ही सारी पावर होती थी पूरी कंट्री में। और मतलब जब स्टेट्यूट्स आए, ठीक है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आया, ठीक है, तो जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉमन लॉ था, इसका मतलब जो स्टेटस था, ठीक है, जो वैल्यू थी वो कम हो गई एज कंपेयर टू एंशियंट टाइम, ठीक है। मगर ये अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अभी भी है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, अहम रोल है, अहम किरदार है, क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी जुडिशियल डिसीजंस का जो कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, उस पे बेस करता है, ठीक है। लेट सपोज एग्जांपल लेते हैं कि जो सोवरन है, किंग है या क्वीन है, उसके जो पावर्स है, ठीक है, जिसको इम्यूनिटीज है, प्रेरोगेटिव्स है, ठीक है, डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है, वो इंटायरली कॉमन लॉ पे डिपेंड करता है, ठीक है। उसके जो मतलब उसको जो उसकी पावर्स है वो कॉमन लॉ के मुताबिक दी गई है, ठीक है। और जो मेनी फंडामेंटल राइट्स है लोगों के, इंक्लूडिंग ट्रायल, ज्यूरी, फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी एंड फ्रीडम ऑफ असेंबली हो गया, वो भी बेस करता है कॉमन लॉ पे। और जिस तरह वो लॉ को, लॉ ने इसको इंटरप्रेट किया और कोर्ट उसे अप्लाई करती है, ठीक है। तो उसको ये, इससे हमें ये पता चलता है जो कॉमन लॉ है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है डेवलपमेंट में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के। ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, मगर और ये अनरिटन सोर्स है एज कम्पेयर टू अदर सोर्सेज, जिस तरह हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट हो गए, इस तरह जुडिशियल डिसीजंस हो गए, जिस तरह एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो गए, मगर ये कॉमन लॉ सबसे एंशंट पुराना सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। क्योंकि ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन बेस करता है कस्टम्स पे, ट्रेडिशंस पे। इस तरह जो कॉमन लॉ है वो ऐसे एंशियंट कस्टम्स पे बेस करता है और जो रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं सोर्स पे, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट सोर्स हमारे पास आ जाता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है कन्वेंशंस। कन्वेंशंस हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का। कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशंस हमारे पास ट्रेडिशंस होते हैं, ठीक है, जो ट्रेडिशंस जो बड़े अरसे दराज से चलते आ रहे होते हैं और लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। जो कन्वेंशंस होते हैं वो रिटन लॉ पे का पार्ट भी नहीं होते और ना ही वो उसको कोर्ट्स ने रिकॉग्नाइज किया होता है, ठीक है। ये ऐसे लॉज होते हैं जो लोग फॉलो करते हैं और वो ये बहुत अहम होते हैं स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। लेट सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वीन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। क्वीन के पास ये राइट होता है कि कोई भी बिल पास हो बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, या जो भी बिल पास हो जाए किसी भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसों से, वो उसको वीटो कर सकता है या कर सकती है, वो उसका राइट है, ठीक है, वीटो करने का। मगर अगर हम कन्वेंशंस को देखते मद्देनजर रखते हुए देखें तो वो उस पावर को एक्सरसाइज नहीं करती, क्योंकि ये एक रस्म बन चुकी है कि जो बिल होता है उसको जो किंग है या क्वीन है वो वीटो नहीं कर सकता, मगर इन थ्योरी वो उसको वीटो कर सकता है, उसके पास पावर्स है, ठीक है। ये हमारे पास 5 के 6 सोर्सेज होगी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट फर्दर मोर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, गुड बाय।